आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो, धीरे आ रहा है वो, तो बहुत धीरे आ रहा है, धीरे आ रहा है, धीरे करो। नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका आपके चैनल ब्रांडेड किसान में। भाइयों आज की जो वीडियो होगी, वीडियो कटिया की होने वाली है जी। हमारे प्रधान जी हैं जी, इधर बैठे हैं बड़े भैया को राम राम करूंगा जी, स्वागत करूंगा, इन्हीं के परिवार की आज की वीडियो होने वाली है। चौधरी साहब की भी वीडियो जरूर बनानी है। तो भाइयों इन्हीं के क्षेत्र की है, इन्हीं के परिवार की है, अपने वकील साहब के आज की जो वीडियो होने वाली है, चाचा जी की है उनके। सबसे पहले स्वागत करूंगा, राम राम करूंगा जी सभी को, एक दूसरे से जितने भी हैं सभी का स्वागत करूंगा, राम राम जी। इधर बैठे हैं जी, फिर वही हमारा काम रहेगा कि सबसे पहले भैया जी परिचय लिया जाएगा कि आज की जो वीडियो है वो किस भाई की है, कि कितने किलोमीटर की है, मीटर की है, कैसे कि कैसे शौक कैसे लग गया, परिवार का है कैसे है। सो, भैया जी का स्वागत करूंगा आज की भैया की वीडियो होने वाली है, भाई को राम राम करूंगा जी। भैया जी शुभ नाम बोल लो अपना। राहुल कुमार, गांव कटिया, जिला मुजफ्फरनगर। राहुल कुमार, गांव कटिया, जिला मुजफ्फरनगर। चौधरी साहब को राम राम करूंगा जी। चौधरी साहब नाम बोलो एक बार अपना। सतपाल सिंह, गांव टंडेड़ा, जिला मुजफ्फरनगर। बहुत बढ़िया जी, राम राम जी। आपका शुभ नाम बोल लो जी एक बार। मनी राम, गाँव जटबड़ कटिया जी। अच्छा जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आपका शुभ नाम जी है जी? गुरवीर जी, इनके फादर हैं भैया सोन, इनके राहुल के। अरे इधर राम राम करूंगा जी, स्वागत करूंगा, प्रधान जी वकील साहब के भाई हैं जी। एक बार शुभ नाम बोलो जी अपना। जितेंद्र, बहुत बढ़िया जी। आपका शुभ नाम? संजय। संजय, बहुत बढ़िया जी। आपका शुभ नाम जी? रोहतास भैया जी। आपका? राजेंद्र। आपका जी? बाबा जी को राम राम करूंगा, शुभ नाम बोलो जी एक बार। धर्मवीर नागर। धर्मवीर नागर, सोनू। सोनू भाई, मोनू। सो आज की जो वीडियो होने वाली है, भैया की वीडियो होने वाली है, बड़े भाई स्वागत करूंगा। और कितने मीटर का है, किलोमीटर का, कैसे वीडियो है जी आपकी? दो एक किलोमीटर का झोटा तैयार कर रखे। तैयारी गंगा जी की चल रही है। तो क्या आपके गांव से लगा लगाई में भैंसे छूटते हैं जी? नहीं, सब प्यार मोहब्बत में। सो कहने का मतलब ये है, प्यार मोहब्बत में। तो जाहिर सी बात है, वकील साहब के परिवार में से हो आप लोग, तो दादा भी जाहिर सी बात है एक ही है, तो शौक तो खून में आ ही रहे हो आप भाई। बात जो कायदे की है कि भाई वकील साहब के परिवार में से है, इनके चाचा जी का परिवार है वकील साहब के, तो खून तो चला ही आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कितना समय हो गया इसे झोटे लाइन में पड़े हुए? झोटे लाइन में जी बस पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही, बाबा यार को सोता, बाबा यार को था, अब हमें लग गया। अच्छा, तो भैंसा कितने बदल दिए होंगे भैंसे आपने? भैंसे तो जी कुछ याद नहीं जी, कितने बदल दिए। तो एक भैंसा कितने समय रखते हो आप? दो साल। दो साल। आप डाइट में क्या देना पसंद करते हो जी? कि जैसे कि लंबी चाल है आपकी, लंबी दूरी है, देसी डाइट में जैसे ये अपना दूध, चना, यह दूध का देते हो इसे? लगभग दूध दे रहे हैं 4 किलो, 4 किलो। 5 किलो दूध एक टाइम में, दोनों टाइम में? दोनों टाइम में। अरे घी कितना देते हो इसे? 150-200 ग्राम घी इसे देते हो पर डे का? ये बात भैया जी, जैसे कि बात करी जाए बादाम वगैरह देते हैं कि आप लोग देते हो? नहीं जी, फिलहाल नहीं। चौधरी साहब ने पूछे बगैर कह दिया ना। नहीं, फिलहाल नहीं। देखो देखो, आपसे मैंने, उन्होंने मेरी तरफ पैसे मुंह कर दिया कि ना, आपसे बात कर रहा हूँ, चौधरी साहब ने पहले ही मुंह मार दिया कि भाई बादाम नहीं मिल रहे। देखो कितनी कितनी जांच है, ये जांच की बात है जी। देखो कि उन्होंने पहले ही देख के कह दिया कि बादाम नहीं मिल रहे। बस चौधरी साहब क्या लगा कि बादाम नहीं मिल रहे? नहीं, तो आपने आपने मुंह झोटे की तरह देख के मारिया। नहीं नहीं भाई, परिवार का खर्चा सारा देखना पड़ा। ये बात भाई, तो दूध चना जो भी मिलो जो भी काफी है का परिवार। मेरा कहने का मतलब ये है, चौधरी साहब की तजर्बा बहुत है आपको, फिर दूसरे कोई बाहर की आमदन तो है नहीं।
खेती खेती की उसमें भाई सारा परिवार भी देखना सब चीज दे सट्टा हमने भगत कुछ हमने हमें तो बस अपने घर होंगे बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन कहने का मतलब ये है, देखो मैं आप लोगों को किसी प्रकार से नीचे वाली बात नहीं कर रहा, मैं एक बात कर रहा हूँ तजर्बे की। मैंने आप लोगों की बात नहीं काटी, मैं एक बात तजर्बे की कर रहा हूँ कि वो इंसान का तजर्बा देखो कैसा है कि उन्होंने देख के ही कह दिया कि बादाम इसे नहीं मिल रहे। मेरा कहने का मतलब तजर्बे का तजर्बा, मैं मेरा 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 मोटिव जो है, मैं कहा भी तजर्बा देखो चौधरी साहब को कितना है कि पशु को देख के ही कह रहे कि इसे बादाम नहीं मिल रहे। सो भैया जी जैसे कि इसे चना कितना दे रहे होंगे लगभग? एक किलो एक टाइम में पूरे दिन का 1 किलो चला। तो यहाँ से आपका नहान कितना बैठता है जी? 20-21 किलोमीटर। तो यहाँ से जब जाते हो नॉन स्टॉप जाते हो कि बीच में रोक भी लेते हो जी? नॉन स्टॉप। तो जैसे कि आप लोगों की 20 किलोमीटर का दूरी है तो टापा कितना लेके चलते हो आप? अच्छा दुड़की भी घेरते हो, जैसे कहीं कहीं जी सा लगने वाला झोटा लगता है तो दुड़की भी घेर लेते हो? क्या बात है जी, क्या बात है। तो भैया कहने का मतलब ये है तो खून ही जोर मारता है, ये तो तुम्हारे खून में ही मामला सिस्टम बड़ा आ रहा है। तो इसे तो हम कह ही नहीं सकते क्योंकि जो हमारे विरासत में कोई चीज़ मिली हो हम उसे कैसे झुठला सकते हैं। सो कहने का मतलब ये है भैया, शौक पीढ़ी दर पीढ़ी चलना चलाना बहुत कैड़ा काम है जो इन्होंने थाम रखा है जी, अपना विरासत थाम के आगे चल रहे हैं। अच्छा तो भैया राहुल भाई आपके बच्चे भी हैं? लड़का, लड़के को शौक है? नहीं, बच्चा है। क्या बात है, आपके भाई हैं कोई? हाँ जी भाई। क्या बात है, तो शौक है? हाँ जी। क्या बात है, तो जाने की आगे पीढ़ी चलेगी अभी क्योंकि आगे आजकल जैसे जैसे ये शौक कैड़ा होता जा रहा है चौचो सब, ये शौक जो है कैड़ा होता जा रहा है कि ये शौक मैं तकरीबन पशु की डाइट को लेके आज के समय में अगर सही तरीके से देखा जाए तो घर के खर्चे पूरे नहीं हो पाते जी। खर्चे परिवार के। देखो जो ये चौधरी साहब की बात वहीं घूम फिर के मैं भी वहीं आऊँगा जो इन्होंने बात कही है। देखो इन्होंने बात एक बहुत अच्छी कही और मैं भी बात घूम फिर के, इन्होंने जरा मोड़ सीधा ले लिया, मैं मोड़ घुमा के लेके आ रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये आज के परिवार के खर्च जो हैं वो पूरे करने बड़े कैड़े हैं। सो पशु का खर्च कैसे पूरा करा जाए, लेकिन शौक को जिंदा रखा हुआ है, दिल से सलूट है भैया आपको। पशु दिखाते हैं, चलो आपका प्रधान जी भी आ गए जी। तो ये झोटा लेके आए थे आप मोल को? ये अभी लिया जी, महीना एक महीना, एक महीना हुआ है इसे लिए हुए। दांतों में क्या है? छह है जी। भाई, भाई पशु तो सुंदर है, पशु तो बढ़िया ले रहे भैया, पशु में तो कोई कमी है नहीं। खैर देखो जो बात है जो कहने वाली है बात है जी भाई, देखो जो कहने वाली है भाईयो, पशु बहुत शानदार है। बहरहाल चलता कैसे है वो आपको दिखाएंगे। कितने का लिया था जी आपने? 68,000 भैया। जैसे कि आपकी वीडियो के माध्यम से कोई भाई चाहे कि भाई पशु सेल करना तो सेल कर दोगे हैं भाई? 68 का लिया है, 70-75 ले लियो? अभी नहीं। सो भैया जी कहने का मतलब नॉट फॉर सेल। भैया जी एक बार अपना नंबर भी दे दो बाई चांस, कभी मूड बन जा। 95-40-11-28। बहुत बढ़िया। सो भैया इनका नंबर भी ले दिया है मैंने, क्योंकि नंबर इसलिए ले दिया है कि भाई अगर आप लोगों का तालमेल बनती है इनसे तो पशु ले सकते हो। बात करूंगा पैरों से भैया इसकी, इसे जेब से खोल के इधर कर लो इसे नाक की। मारता मूरता तो नहीं है? नहीं। तो हाका कौन है जी इसका? मलची भी यही है। सो भैया फेस देखो, फेस पर बात की जाए भैया इसकी लंबाई की, मैं दिखाता हूँ भैंसा ऊंचा लंबा बहुत ज़्यादा है जी। दांत तो 6 है, दांत भी दिखाऊंगा मैं। भैया एक बार दांत दिखाओ इसके। हाँ जी दांत तो 6 है जी। भैंसे की लंबाई मैं कहता हूँ जी तकरीबन 5 फुट ऊंचाई होगी कम से कम। क्यों जी, सच्चाई है ना? 5 फुट के आसपास, 5 फुट होगी। भैया थोड़ा सा आगे लेके जाना, आगे को उठा उठा दिखाऊंगा, अगर मैं आऊं तो इसके बराबर आ रहा हूं जी। रोक लो भैया, रोक लो।
उठा जो है आप लोगों के सामने है जी। अच्छा भैया ये पीछे से यहाँ से लेके आए हो, वो दुड़की उड़की पे चल रहा था वहाँ पे उनके पास चल रहा था। सो भैया पैर वैर ऐसे हैं आप लोगों के सामने हैं, तो आज इसे कितना दिखाओगे? दिखा देंगे दो ढाई। चलो जी दो ढाई जो भी है दिखाते हैं। अब दूसरा बच्चा इन्हीं के परिवार में है, उनसे भी बातचीत करते हैं जी। सो भैया भैया वो शक्ति चला गया तो बाइक कौन चलाएगा मेरी? तो देखो जी बांस भैया बांस, हाँ आगे से बनाएंगे जी। हाँ आगे आ जाओ आप भैया। एक बात बताओ ये बांस की लंबाई कितनी है आपकी? नब्बे होगी जी, 90 फीट। जितना भैंसा लंबा है इसकी बांस की लंबाई कितनी होगी? यो फुल साइज है जी, देखो सोचो इस बात को कि फुल साइज है जी, पीड़े की फुल साइज है जी। अच्छी है जी, थल ही रहेगा। बस खूंटे पर रखना है। वाह जी वाह। सो बैक चलते हैं जी, दिखाते हैं आपको आज क्या स्थिति रहती है इसकी। बस लेके अभी तो अबे चलेंगे जी, अभी चले नहीं गए इधर भाई, दो भाई जा रहे हैं दो। लियो जी लियो। है पीछे ज्यादा वो जो चाल आपके वाले काट रहे थे ना, ये वो दुड़की बनी आ रहा। तो बैल भी बहुत चल रहे थे आपके। चलो आ गया। पुलिस वाले बड़ी गौर से देख रहे थे जी। हाँ गाड़ी खड़ी थी। हाँ जी बस सही चल रहे, पता नहीं इतने चलते रहो बस। तो पट्टी सही है, अब तो सही है पट्टी। अच्छी आग कैसे? अच्छा मोड़ पे दिखाओगे?
चलो 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 ना जी यहीं रखो भाई, इतनी दूरी रखो बस। चलो प्रधान जी, चलो जी, चलो जी, चलो 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 प्रधान जी आगे, चलो 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 बस 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 नहीं चलो बस चलो चलते रहो चलते रहो प्रधान जी, चलो 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 प्रधान जी, चलो 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 बस यहाँ तक ही बनानी है, यहीं तक ही बनेगी बस। कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। अब दूसरा दिखाते हैं जी पशु, रोक लो जी साइड, रुको रोक लो आप साइड, रुको रोक लो, रोक लियो भैया, रोक लियो एक मिनट। भैंसा भैया, भैंसा यार बढ़िया चला, भैंसा बहुत बढ़िया चला। ये पहले तो ऐसे ही लग रहा था, लेकिन आते हुए लाजवाब, लेकिन बस थोड़ी सी कमी क्या रहेगी, थोड़ी सी बाइक ड्राइविंग के कारण बस मामला ये रह गया। नहीं भैंसा बहुत शानदार चला, ये बात मानने की है। सो भाइयों अब दूसरा पशु दिखाते हैं, बस धीरे करो, फिर एकदम उठा दिए, फिर एकदम उठा दिए, चलो जी आ रहा, वो तो बहुत आ रहा है, धीरे आ रहा, धीरे आ रहा है, आ रहा, धीरे करो धीरे करो धीरे करो, हाँ मर्जी का लोड जी, धीरे हो गया, धीरे हो गया, धीरे कर लो,
उठा दिया, फिर उठा दिया। तो भाइयों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। प्रधान जी कितना चला जी? 40 भी लगा जी, 35 भी चला जी। क्या बात है, क्या बात है, उम्र कच्ची है। कच्ची बच्चा उन्ना आज अभी तो। हाँ उन्ना बच्चा है। बहरहाल 30 से कम नहीं हुआ जी। हैं? 30 से कम नहीं हुआ है। 30 से कम नहीं हुआ। बहरहाल जी लवारा शानदार है और भाई का भैंस भाई साहब जबरदस्त है। सो भाई और वीडियो है उन्ना लगा रहे हैं इसे। सो भाइयों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार देख लो जी, आपको दिखा दूं इसके पैर वैर। लगभग कितना भगाया होगा जी वहां से? ये भाग गया जी 1.5 किलोमीटर करीब भाग गया। 1.5 किलोमीटर भाग गया जी। 1.5 किलोमीटर पे लगा रखे जी। मामला बुग्गी ले रहे पीड़ाना है। 10 किलोमीटर से। ओहो जेड़ा से घूम गया तड़की। तो भाई तुम्हारी तो घुमाई भी तकड़ी देख ली आज। हल्के नहीं चलते भाई। बस। तो भाइयों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो इसके बजूद से प्रधान जी पीड़ा भी भारी है। इसके बजूद से पीड़ा भी भारी ले रहे। ये बात। अच्छा भैया राम राम है। अच्छा भैया।